तो रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आप रिपोर्टिंग वर्ड को स्पीकर के के अपने खुद वर्ड्स में बोल रहे हो उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच फॉर एग्जाम्पल मैंने एबीसी को बोला दैट यू आर इंटेलिजेंट मैंने एबीसी को बोला यू आर इंटेलिजेंट तो आपने ये बात सुन के जब आप इसे अपने ओन वर्ड्स में करोगे तो वो हो गई रिपोर्टेड स्पीच ठीक है तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट करते हैं मैं बस रूल्स बता रही हूं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी उस रूल्स को याद कर लीजिए रट लीजिए रिवाइज कर लीजिए अगर ये रूल्स आपको याद रहा आपके फुल मार्क्स दो में से दो आ जाएंगे इसमें ठीक है अब रूल्स क्या है सबसे पहले स्टेप वन आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना जैसे लिखा होता है भावना सेस कॉमा फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता है भावना से कॉमा ठीक है उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में लाइन होती है तो ये जो सेज है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ठीक है अगर सेज है सेज टू है आप टेल्स में चेंज कर सकते हो सेज भी आप टेल्स या सेज में रहने दोगे सेट आपका सेट में चेंज हो जाएगा सेट टू to आपका टोल्ड एसोटेड स्टेटेड इनफॉर्म में चेंज हो जाएगा ठीक है बेसिकली प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा और पास्ट पास्ट में चेंज हो जाएगा ठीक है समझ आया स्टेप इजी जैसे भावना सेज है तो ये टेल्स भी हो सकता है सेज भी हो सकता है दोनों करेक्ट है ठीक है सेकेंड स्टेप क्या है रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आप रिमूव करोगे ये कॉमा भी आप रिमूव करोगे और यहाँ पे एड ऑन कर दोगे दैट ठीक है भावना सेज दैट इजी फिर उसके बाद आपका जो स्टेप थ्री होगा वो ये होगा कि आप पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज कर लोगे ठीक है और पोजेसिव प्रोनाउन को भी चेंज करोगे ठीक है अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे था भावना से अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है

रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा एग्जाम्पल मीरा से अब ये आ गया आपका प्रेजेंटेंस तो मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो गया प्रेजेंट टेंस में हो गया तो मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा जो लिखा हुआ है वो ही रहेगा ठीक है अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है टू को आपने टेल्स में चेंज किया इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमर्स हटा दिए दैट को एड ऑन कर दिया पोजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गया योर को आपने हर में चेंज किया टीचर हैज प्रेज्ड Her, को आपने हर में चेंज कर दिया हैज में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा ठीक है लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में है ठीक है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में है जैसे आप बोलोगे भावना Said. तो आपको पता लग गया ये सेट है ये आपका पास में हो गया रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इनवर्टेड कॉमर्स चेंज होगा कैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर लिखा है वो वर्स वर में चेंज हो जाएगा वर्स वर लिखा है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा हैड बीन में लिखा है तो नो no चेंज ठीक है हैज हैव है तो वो हैड हो जाएगा हैड है तो नो चेंज डू डेड में हो जाएगा हैड हैड डन डन में हो जाएगा had, done है तो नो चेंज वुड माइट कोड शुड और टू टू मस्ट ये सब हैड टू में चेंज हो जाएगा इजी ये रख लीजिए रूल्स ओके okay? ये सिर्फ स्टेटमेंट के लिए नहीं है ये क्वेश्चंस में भी रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे चेंजेस आएंगे और जो कमांड और रिक्वेस्ट है उसके रिपोर्टेड स्पीच में भी ऐसे ही चेंजेस आएंगे ठीक है कोई ऐसा वर्ड जो आपको नियरनेस डिनोट करना है आपको उसमें चेंज करना है नियरनेस को फारनेस में चेंज करना है जैसे दिस का दैट दिस का दोस्त ठीक है ऐसे कुछ वर्ड्स हम देखते हैं स्टेप फाइव यही है आपका दिस That now then so very these those here there yesterday the 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 previous day tomorrow, the next day the following day tomorrow next following tonight that night today that day ठीक है अब दो सिचुएशन है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं आता इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस अभी मैंने बताया रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आएगा लेकिन दो सिचुएशन ऐसी है जिसमें चेंजेस नहीं आते इवन दो वर्ब इज इन पास्ट ठीक है कब एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब आप बोल रहे हैं या हैबिचुअल एक्शन जो आप कभी चेंज नहीं कैसे कर सकते जैसे द सन राइज इन ईस्ट यू नॉट चेंज दैट तो वहां पे जो टेंस है आपका ठीक है रिपोर्टेड स्पीच का वो सेम रहेगा इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट ठीक है रिपोर्टेड स्पीच में वो सिचुएशन डिस्क्राइब करी गई है जो कंटिन्यूस है अभी भी वही सिचुएशन चल रही है दैट इट इज रेन रेन पहले भी भी कर कर रहा रहा था अभी भी कर रहा है तो उसकी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा इवन दो रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट ठीक है अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब एग्जाम्पल क्या है ये देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है रामेश

वो है यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं ये आपने लिखना है दैट समर इन इंडिया आर यूजली वेरी हॉट ठीक है नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर्स सेड ठीक है अब द स्टेशन मास्टर सेड का सेड ही रह गया इनवर्टेड कॉमर्स और कॉमर्स रिमूव कर दिया और दैट भी आ गया सेट की जगह आप टोल्डेड इनफॉर्म भी लिख सकते हो ठीक है ड्यू टू हैवी रेन ट्रेन आर रनिंग लेट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ये सिचुएशन की हैवी रेन होने की वजह से ट्रेन लेट है तो इसके भी टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा आप हेज इट इज लिख दोगे दैट ड्यू टू हेवी रेन ट्रेन आर रनिंग लेट नेक्स्ट टेंस आ डॉक्टर सेट टू मी द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी वोट सूट यू ठीक है पास्ट में ही रहेगा ये भी क्योंकि ये भी एक्शन है कि भाई वो जो ऐसा क्लाइमेट है मेरी जो एक्शन है या जो यूनिवर्सल ट्रू है वो मेरे को सूट नहीं करने वाला तो डॉक्टर सेट टू की जगह टोल्ड मी हो गया इन्वर्टेड कॉमर्स कॉमर्स हट गए दैट हो गया द क्लाइमेट ऑफ ये दिस नियरनेस दिखा रहा है ना दिस को दैट में चेंज करेंगे सिटी वोन्ट को वुड में चेंज करेंगे नॉट सूट मी प्रोनाउन को चेंज करेंगे टेंस को चेंज नहीं कर रहे ठीक है प्रिया सेज द अर्थ इज राउंड प्रिया सेज की जगह टेल्स आ सकता है

चेंज होता वेरी स्लीपी ठीक है she had have किस में चेंज हो गया में पास द एग्जाम ये था आपका स्टैंड उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेशन बहुत ईजी है इंटेरोगेशन सबसे पहले मैं आपको बता दू इंटेरोगेशन में आपने क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है ठीक है मतलब क्वेश्चंस को आपने स्टेटमेंट में चेंज करना है और इसका स्टेप क्या है सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछते हो बताते नहीं हो तो टेल्ड या टोल्ड नहीं आएगा आस्क ask या आस्ट आएगा चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो तो टू चेंजेस सेवन से

अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन ले रहे हो तो दैट एड नहीं होगा कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा ये वर्ड एज इट इज आएगा ठीक है डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट फॉर्म में जब आप चेंज करते हो तो सब्जेक्ट और वर्ब की चेंज प्लेस चेंज होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग आपको इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा फुल स्टॉप फिर सब्जेक्ट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब इधर आएगा अगर देखा जाए क्वेश्चन में वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट बाद में आता है जैसे आर यू और अगर स्टेटमेंट में देखा जाए तो वर्ब बाद में चले जाते हैं सब्जेक्ट पहले आ जाता है तो ये क्या चेंज आ जाएगा वेयर यू आर गोइंग फुल स्टॉप ठीक है तो सब्जेक्ट और वर्ब की जगह चेंज हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट इफ द क्वेश्चन स्टार्ट विद एनी अदर अगर डब्ल्यू एच फैमिली के अलावा कोई भी वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जैसे आर इज एम ऐसा कोई वर्ड हो रहा है तो कंजंक्शन आ जाएगा इफ या वेदर ठीक है जैसे आई सेड टू मीरा वेन आर योर पेरेंट्स कमिंग पहले तो सेड आज में चेंज हो गया फिर इनवर्टेड कॉमर्स रिमूव हो गए अब आपने देखना क्या डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन शुरू हो रहा है हाँ तो वेन वेन एस आ जाएगा अब क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज हो रहा है वर्ब और सब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज हो जाएगी आर योर है ना योर हर में चेंज हो जाएगा व्हेन हर पेरेंट्स आर कमिंग फुल स्टॉप ठीक है रामेश से टू तो मी आर यू रीडिंग दिस बुक रामेश ने आज मी रामेश ने मुझसे पूछा आर है ना डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है तो इफ योर वेदर कुछ भी आ जाएगा मी है ना तो मी की जगह ये जो यू है वो आई में चेंज हो जाएगा ठीक है अब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वो अब आ जाएगा आर वॉज में चेंज हो गया रीडिंग दिस दैट में चेंज हो गया बुक ठीक है ही ही विल यू कम विद मी फैमिली से क्वेश्चन नहीं शुरू तो इफ ठीक है ही सेट टू मी है ना ठीक है तो यू की जगह आए वर्ब और सब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज हो गई विल की जगह वुड गो विद हिम ठीक है कम गो चेंज करोगे गो में लास्ट पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज कमांड कमांड क्या होता है किसी को ऑर्डर करना रिक्वेस्ट क्या होता है किसी को प्लीड करना तो उसी के हिसाब से वर्ब चेंज Say said किस में चेंज होगा अगर ऑर्डर किया है तो अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑर्डर या ordered. रिक्वेस्ट request या रिक्वेस्टेड अगर रिक्वेस्ट किया है एडवाइस दिया है तो एडवाइस या एडवाइस कमांड किया है तो कमांड command या कमांडेड इंकरेजमेंट दे रहे हो तो इनकरेज या इनकेज अगर प्रोहिबिटेड है कोई चीज करना तो पॉबिट ठीक है इफ रिपोर्टेड कमांड एंड रिक्वेस्ट द स्पीच इज इंट्रोड्यूस बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट एंड देन इम्पेरेटिव मोड इज चेंज इन टू इनफिनेटिव तब हमारा कंजंक्शन में दैट नहीं आता टू आता अभी मैं समझाती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डू नॉट है डू नॉट हमेशा नॉट टू में चेंज हो जाएगा

he said to me don't tease the animal ab don't tease the animal that is an advice he advised me not to don't को किस में चेंज किया not to tease the animal ठीक है रिपोर्टेड स्पीच के ये रूल्स रट लो गारंटी फुल मार्क्स ओके ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय एवरीवन